ये कहानी मैं एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था। एक रात जब मैं अपना काम पूरा कर कर अपने घर पे आया था, तब मैं एक टीवी शो देख रहा था और साथ में खाना भी खा रहा था। वह एक कॉमेडी शो था और इसलिए मैं हंसते हुए खाना खा रहा था। उस समय शायद से आधी रात थी और शायद से 12 बज रहे थे, लेकिन तभी मुझे अचानक से कुछ फील हुआ, कुछ स्ट्रेंज। ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो, कोई मुझे घूर रहा हो, वो भी मेरे पीछे से। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है और इसलिए मैंने पीछे मुड़ा और तब मैंने जो देखा वो मेरे पूरे लाइफ का सबसे टेरिफाइंग मोमेंट था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, ना ही मैं चिल्ला पा रहा था। मैंने देखा एक फेस जो कि विंडो से मुझे घूर रहा था और वो फेस पूरे के पूरे विंडो को कवर कर रहा था। वो फेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मैं काफ़ी मुश्किल से हिल भी पा रहा था। वो विंडो पूरी बहुत ही बड़े साइज की थी और वो फेस पूरे के पूरे विंडो को कवर कर रहा था और मुझे घूर रहा था। लेकिन सबसे टेरिफाइंग चीज़ तो ये थी कि उस समय मैं 5th फ्लोर पे था, तो आखिर कोई कैसे 5th फ्लोर पे वो भी विंडो से मुझे देख सकता है। उस समय मैं हिल भी नहीं पा रहा था, वो जो भी था वो मुझे ही घूर रहा था। लेकिन तभी किसी ने तो मेरे दरवाजे पे नॉक किया और उस नॉकिंग साउंड की वजह से मेरा शरीर अचानक से हिलने लगा। मैं जल्दी से उठा और दरवाजे के पास गया और मैंने दरवाज़ा खोला। वो मेरा पड़ोसी था और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो पता नहीं क्या कह रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तब उसने मुझसे कहा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तब मैंने उसको सब कुछ एक्सप्लेन किया और तब मैंने उसके शक्ल पर एक काफ़ी डरावना एक्सप्रेशन देखा और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़रूर उसने भी कुछ ऐसा देखा है जो कि मैंने देखा था। उस दिन के बाद से ही मुझे कुछ स्ट्रेंज होने लगा, मतलब जैसे ही मैं कोई भूतिया कहानी सुनता था तो अचानक से मेरे सीने में दर्द होने लगता था और मैं अपने ऊपर से कंट्रोल लूज कर देता था। ऐसा लगता था जैसे कि मेरा शरीर ही पैरालाइज हो गया है और फिर मुझे ऐसा लगने लगता था जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो। एक दिन मेरे फ्रेंड्स एक घोस्ट की बात कर रहे थे और तभी मुझे अचानक से कुछ अजीब सा दर्द होने लगा और तब मैंने उनसे कहा कि कभी भी मेरे सामने भूतों की बातें मत करना। और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे बिहेवियर के वजह से काफ़ी ज़्यादा डर गए। तो जो भी मेरी ये स्टोरी सुन रहा है, तो मैं उन लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमेशा अपनी विंडो को चेक करना कि कहीं तुम्हें कोई देख ना रहा हो, स्पेशली तब जब तुम अपने घर पे अकेले हो।